दोबारा ही देख लो एक बार स्टार्टिंग से, क्योंकि जो तुमने टेबल देखी है उसमें कई इवेंट के अंत में जो तुमने सफिक्स लगाया है उसमें ओ लगा हुआ है, उस ओ का एक बार तुम लोगों को मतलब समझा दूं। देखो ए दंतु की जो हार्ड है ये पता तो है, दंतु किसको बोलते हैं, ऐसे इवेंट जो केवल और केवल उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। एक एक उपसहसंयोजक बंध का मतलब है ए लोन पेयर का डोनेशन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक दंतु लिगैंड होंगे जो कितने उपसर्ग में बंद बनाएंगे, केवल एक। अब उस सारणी में तुमने देखा था एक तो NH3, तो नाइट्रोजन के पास में तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के बाद हाइड्रोजन से तीन की शेयरिंग हो गई तो एक लोन पेयर बचा, ये लोन पेयर, ठीक है, तो एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये है एक दंतु, नाम एमी, और इसका आवेश कितना है यहाँ पे, तो पांच के पांच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आवेश हो गया जीरो। तो बेटा ये चीज ध्यान दो, आपको तीनों चीजें याद रखनी है, आईपीएस से सिखाऊंगी तभी आपको समझ में आएगी जब आपको ये एग्जाम की सारणी ये बात दिमाग में रखो। और ये लेसन अपने 5 नंबर का लेसन है बोर्ड में, और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है फर्स्ट बुक का, फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर के 9 का लेसन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये नंबर लेसन, ये सीख लेंगे 5 नंबर का काम हो जाएगा सीधा बोर्ड, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे, आवेश याद करने जैसे एमी नाम है, एमी सिंबल है एनएससी, तो इस पे आवेश है 0। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, H2O, नाम क्या था इसका, आवेश पढ़ा। सारणी में उसी तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले 0 वाले -1 वाले -2, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही तरुण, स्क्रीन तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, कहीं दिक्कत ही नहीं है, आप देख देख के क्लियर दिख रहा है क्या तरुण, क्लियर दिख रहा है, मम्मी मुझे सीपीएस का मतलब क्या है, प्राइमरी
while Daniel was seen, उसका नाम हो जाएगा ट्राई पेनिल पोस्टिंग. समझ में आ गया बात? PTH ठीक है. ये जीरो वाले हैं जो तुम्हें याद करने. उसके बाद माइनस वन वाले का सुनो. जैसे उसमें नाम देगा तुमने साइन हो, सल्फेट हो, क्लोरिडो, वो क्या है बेटा? मैंने आपको बताया था कल भी कि जो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं डिनोमिनेटर के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपन चार्ज कैसा लगाते हैं इसने समझ गए. नेगेटिव वाले को बोलते हैं अपन. मैम प्लीज अभिषेक को बोलो वीडियो म्यूट रखे. अरे सबको ही तो म्यूट कर रखा है, फिर कौन कर रहा है इतनी आवाज? कौन है अभिषेक? अभिषेक ठीक है, आप ध्यान दो. तो नेक्स्ट आप देखो, तुम तो मैंने क्या बताया था कि लिगेंड दो ही प्रकार के होंगे, या तो कैसे होंगे उदासीन या कैसे होंगे धनावेश. क्योंकि बेटा धनावेश जो आ तीन किस्म हो गया, धनायन या ऋणायन या उदासीन. तो धनायन वाला सामने वाला को इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा? कि उसके पास उसके पास क्या उसके धनावेश नहीं देंगे लिगेंड. ऋणावेश होंगे या कैसे होंगे उदासीन. तो जो मैंने जीरो जीरो वाले पढ़े हैं शुरू वाले वो उदासीन है. अब माइनस चार्ज वाले देखो ऋणावेश. मैंने आपको कल बताया ऋणावेश की पहचान क्या है केमिस्ट्री में, बताओ क्या केमिस्ट्री में पहचान है ऋणावेश. ऋणावेश में एक तंतु का एग्जांपल दो तरु. ये जो टेबल अपन बना रहे हैं ना, पूरी सारे जो मैंने कर भेजी वो पूरे एक तंतु की है सारे. जो शुरू शुरू में तुमने बना रखी है टेबल को एक तंतु की लेंथ की, जैसे मैंने एमएससी बनाया था एमी एक्वा कार्बोनिल पीडी फॉस्फीन ट्राइपेनिल फॉस्फीन, ये सारे एक तंतु केवल और केवल एक ही प्रोसेस से एंटर करता है. समझ में आ रही है बात अरुण? जो फर्स्ट सारणी तुम्हारे वीडियो क्लियर क्यों नहीं आता बार बार, बीच बीच में कोई लाता थोड़ी है इसको. पढ़ने में कम ध्यान देते हो, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा ऐसे लोग. ये देखो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. आई बात समझ में? जो सारणी तुम भेजी थी तुम्हें उसमें से हाँ अब ऋणावेश पहले तुम्हें याद करने के तरीके बताए कैसे याद करेगा. जो उदासीन थे उनके नाम जैसे लिखे हैं वैसे याद करें. जैसे मैं जैसे सी एल माइनस क्या नाम होगा आधार पर याद करोगे तो आई के से दिक्कत यह है कि ये खाते पर वहां भी तुम्हें बदलना नहीं पड़ेगा. साइनाइड का नाम क्या बन जाएगा? साइन. तो देखो कल की सारणियां कॉपी सामने रखो जो मैंने भेजी, जो काम तुमने किया था उसमें हाथों हाथ काम किया करो जो भेजा जाता है उसमें बेटा साइनो लिखा हुआ है साइनाइड का. क्यों हो गया साइन? पता चल गया कि नेगेटिव लिगेंड होंगे तो सब ऋणावेश लिगेंड का आपको आइड और एटीई का एटीई स्पेलिंग भी आएगा. लेकिन जिसके नाम पे ए आए जैसे कि स्थल पे थोड़ा बड़ी होते सब पे इस स्थल पे ए आ गया ना उस एटीई स्पेलिंग का क्या बताना है हमें? ई हटा.
और सल्फेट का क्या बन जाएगा? सल्फेटो। समझ में आ गई बात ढंग से? आइड आए अंत में तो पूरा आई डी ही हटा के हो गया। ए डी ए आए जैसे कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, सीओ थ्री माइनस टू को बोलते हैं पर कार्बोनेट। तो इस कार्बोनेट का लास्ट में आ रहा है ए डी, इसका क्या ई लगेगा और क्या लगेगा ओ लगेगा। तो ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, जो सारणी दी हुई है उसी के आधार पे है, उसमें साइनो लिखा हुआ है, सल्फेट को लिखा हुआ है, कार्बोनेट को लिखा हुआ है। जैसे ऑक्सीजन का नाम क्या है? ओ माइनस टू। ऑक्सीजन के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? छह। चार्ज कितना होता है ऑक्सीजन पे? छह होते हैं। स्ट्रक्चरल करने के लिए कितने की? दो। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस दो, इसको अपन बोलते हैं ऑक्साइड। ऑक्सीजन पे नेगेटिव मतलब ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब अभी ऑक्साइड लगा तो क्या बन जाएगा? मतलब समझ गए, इसीलिए इसका नाम होता है ओज, लिखा हुआ है देखो। समझ में बैठी है बात ढंग से? अब देखो तो इसी बेस पे बेटा कल जो भेजी है वो सारणी आ गई। पूरी जो सारणी में फर्स्ट पेज पे जो सारणी दी है वो एक दंतु की रहने की सारणी, उसके बाद छोटे कॉलम में है जो ना क्या बोलती है? यस मैम, हाँ बिल्कुल। वो सारणी आने के बाद में कॉलम नंबर दो में आ जाएंगे द्विदंतु। द्विदंतु कर समझाए तो दोबारा समझा दो। एक दंतु के एंड वो होंगे जो केवल एक बंद, ये सारे जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं वो सब एक दंतु। उसके बाद आते हैं द्विदंतु लिगैंड। द्विदंतु लिगैंड का अर्थ मतलब कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे वो? समझ गए? एक साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो पहले एग्जांपल दिए थे मेरी याद करके बताओ कौन सा था द्विदंतु लिगैंड। जो उदाहरण दिए थे उसमें कौन सा था द्विदंतु लिगैंड? तरुण बता कौन सा एग्जांपल दिया था द्विदंतु में? कौन सा एग्जांपल था बेटा द्विदंतु में? किसी को नहीं पता है? ईएन वाला, बिल्कुल सही है खुशी। ईएन वाला एग्जांपल था। और ये देखो ईएन संरचना इसको बोलते हैं दो बार H और E। मैम क्या लिख रहा है? H2O में दो लोन पेयर है फिर भी एक उपसहसंयोजक बंध क्यों बनाता है? चेतन कल ही बात समझाई थी बेटा मैंने, ये H2O के पास दो है फिर भी वो द्विदंतु नहीं है, वो एक दंतु। देख कैसे ये होती है H2O, कितने लोन पेयर बच गए? दो, पूरे दो इलेक्ट्रॉन चले गए, एक यहाँ है खुद के पास और एक दे दिया यहाँ, बंद बन गया पूरा। अब गिर इसके इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच, पांच रह गए छठा बंद। समझ गए? पांच रहते ही ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि संयोजी से कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो धनावेश आ गया, संयोजी से ज्यादा हो जाए तो ऋणावेश। अब इसपे धनावेश आ गया, अब कोई बी नाम का दूसरा व्यक्ति आएगा तो ये अपना लोन पेयर कहां से देगा? ये पॉजिटिव बन गया, मैंने तुम्हें क्या कहा था पॉजिटिव को है बन गया तो नेगेटिव जरा थोड़ा बिहेव करेगा वो। अब उसके तो धनावेश आ गया इलेक्ट्रॉन पांच दे, ठीक है ना? मेरे पास दे, अब समझ गया ठीक है? आगे बात समझ में ढंग से चेतन? आप देख तो कल द्विदंतु के एग्जांपल दिए थे एथिलीन थायमीन, कैसे बनाते हैं एथिलीन थायमीन? एथिलीन बनाओ डाई का मतलब दो लगा दो, क्या एथिलीन लगा दो दोनों तरफ, इधर भी NH2 इधर भी NH2, ये दो लोन पेयर बन जाएगा। तो अभी
इसने पूछा था मुझसे त्रिरंग का उदाहरण पूछा था बेटा एक एक एग्जांपल तो याद करो कम से कम मैंने सारणी में की सारणी में तीन तीन उदाहरण दिए तो तीन में से ईएन का उदाहरण तो सबको याद होना चाहिए ईएन का और जी देव का अब देख ईएन उदासीन है कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर तो इसलिए इसका नाम ऐसे ही ऐसे रहेगा मैंने क्या कहा उदासीन के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना जो नाम है वही यदि लिगेंड नाम है शुरुआत तो अपने को उसका आई या एटी की स्पेलिंग का ही हटा करके अपने को ओ जोड़ना है जैसे कल मैंने तुम्हें उदाहरण दिया था ओरिजिनेट ए आ रहा है लास्ट में इसको कहा था तुमने ओरिजिनेट तो ये नाम ना ऑक्सैलिक अम्ल इसको कहते हैं ऑक्सैलिक अम्ल हाइड्रोजन हटाई माइनस वन इधर हटाई माइनस वन तो माइनस के टू हो गया चार्ज तो ऑक्सीडेट है इसका नाम है ऑक्सीडेट अब इसका ई हटेगा इसमें क्या बन जाएगा ओ तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडेटो इसीलिए सारणी में इसका नाम ऑक्सीडेटो लिखा हुआ है समझ गए चार्ज याद करें माइनस दो इस पे चार्ज बैठ गई क्या बात ढंग से समझ में एक तीसरा उदाहरण और है सारणी आर्यन यस मैम अब देख बेटा एक एग्जांपल और मैंने तीन दिन दे रखे हैं तो कम से कम दो याद एक एग्जांपल मैंने ग्लाइसिन का भी दिया हुआ है तुम्हें ग्लाइसिन किसको कहते हैं सबसे छोटा देख इसका इसमें द्विगंधों में उसके दो दाता थे दोनों दाता थी ईएन में नाइट्रोजन ऑक्सीलेट में भी दो दाता है दोनों दाता है ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन भी अब ग्लाइसिन किसको कहते हैं एक तरफ का एनएच2 बना दो और एक तरफ बना दो तुम्हारा ये ऑक्सीलेट वाला सीओओ माइनस दोनों को एक कार्बन से इसे कहते हैं ग्लाइसिन से बनने वाला ग्लाइसिनेट कौन कौन है दाता एक तो ये हाइड्रोजन है दाता एक और नेगेटिव वाली ठीक है ये द्विगंधक हो गए त्रि चतुर कैसे बनेंगे त्रि और चतुर बनेंगे आपके जो द्वि है उसी द्विगंधक क्रिया ये है तुमने कौन सा ये वाला ये देखो ये वाला ध्यान दो द्विगंधक क्रिया का आपका ये है सी एच टू ये डबल बॉन्ड सी एच टू ये इसका एथीन का पाई बॉन्ड हटा के दोनों तरफ लगा दो तो बन जाएगा द्विगंधक क्रिया ये और ये दोनों हो रहा है समझ गए अब इसको बनाना है तुझे द्वि की जगह त्रिगंध कैसे बनाएंगे त्रिगंध त्रिगंध को बनाने के लिए ये हाइड्रोजन हटाओ हटा दी और ये था ये संबंधना उठा करके इधर लगा दो नीचे ए हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दो और ये का ये लगा दो CH2 NH ये लगा दिया ये दो तो एक दो तीन तीन नाइट्रोजन हो जाएगी जिसे अपन बोलेंगे त्रिगंध इसका नामकरण कैसे करेंगे मैंने कुछ नहीं किया कुछ भी इसमें रखने का नहीं है सब कुछ अपने आप कितनी है एक दो और तीन कितनी एमीन होंगे बेटा तीन तो डाई एमीन इसकी शॉर्ट फॉर्म कहेंगे यहाँ से डाई लगा दो और इसके लिए लगाएंगे डाई जैसे ईएन का पूरा नाम होता है एथिलीन डाई एमीन तो डाई बोल रहा है लास्ट में तो भी लग रही है डाईन का पूरा नाम होता है डाई एथिलीन ट्राईएमीन उस ट्राईएमीन बोल रहा है उस त्रिदंतु में अब बनाना है चतुर्दंतु कैसे बनाएंगे चतुर्दंतु इधर ये हाइड्रोजन हटा दी और ये क्या है समझना ये भी डर लगा है वो
वो कब उधर लगा तो चल उधर तो देखो लगा के ये लगाया मैंने CH2 CH2 NH2 ठीक है। चार हाइड्रोजन नंबर इसको हम बोलेंगे एक दो तीन कितनी है तीन हो गई तीन तो नाम क्या हो गया ट्राई एथिलीन टेट्रा समझ गए एमीन कितनी है आपकी बात चार तो ये अपना क्या हो गया बेटा ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसको ट्राई तो बोलो EN डाइईन और ट्राईईन तीनों उदाहरण याद हो गए या तीनों ही ऐसे हैं उदासीन EN डाइईन ट्राईईन एक एक उदाहरण बताया मैंने तीनों याद हो गए कोई ऐसा है जिसको EN बनाने डन ठीक है। अब देख एक और एग्जांपल है सारणी वो भी कहीं से रटा हुआ है किसी में बना हुआ है जैसे थ्री हो गया या चतुर हो गया तीनों इससे बने ना एक और एग्जांपल ऐसा है बेटा जिसी से ये तीनों बने किससे बनेंगे देखो शुरू में एक दंत से समझो इसका नाम क्या था किसके चार क्या था इसका नाम था एम पहला उदाहरण है हमारा एक पहला एग्जाम्पल है एम चार जीरो क्यों है नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन पर जाएंगे यहाँ दो ऊपर पड़े तीसरा गिरा चौथा गिरा पांच हो गए पांच हो चार पापा फोन आ रहे थे आपको संयोजी के बराबर इलेक्ट्रॉन होना जब आवेश दिया था जब संयोजी से कम हो जाए जब आता है धनावेश और संयोजी से ज्यादा हो जाए जब आता है समझ गए। अब देखो मैंने क्या किया एम इसका नाम था एमी अब मैं क्या करूंगी तुम सारणी में देखते जाना जो कॉपी में बनी हुई है इसकी एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एमी की एक हाइड्रोजन हटाते ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला और एक दूसरा वो इसको दे जाएगी हाइड्रोजन चाहिए एच प्लस में प्लस का मतलब जानते हैं क्या इलेक्ट्रॉन दे दे इसको ये लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देते ही बन गया एन एच चार्ज बताओ क्या आ जाएगा इसमें गिनो एक दो तीन चार पांच छह हो गए पहले कितने थे बताओ पांच अब कितने हो गए छह चार कितना लग जाएगा माइनस तो एमी से बन जाएगा एमी समझ में आ गई बात एमी दो नाम हो जाएगा हाँ बिल्कुल सही कह रही है खुशी माइनस एक एमी से बन गया एमी समझ गई क्या एमी एमिडो इमिडो और लास्ट में इमिडो एजिडो ये क्या हो गया एमी एमिडो बन गई। अब देख मेरे पास तीन है हाइड्रोजन तीनों को हटा रख दे अब इसको हटा दो इसको भी हटा दो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास आ गए। अब बताओ कितने ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन दो ज्यादा हो गए हाइड्रोजन की बची एक यही बचा माइनस दो ठीक है एनएच चार हो लास्ट में जब तीनों ही हटा दो ये भी हटा दो तो यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हो गए टोटल आठ हो गए पहले कितने थे पांच चार्ज कितना एन के ऊपर माइनस टू इसको अपन क्या कहते हैं एजिड इसका नाम होता है एजिड एमीन एक हटी एमिडो दो हटी इमिडो इमिडो ठीक है और लास्ट में सब हट गई तो एजिड चार में से याद कर लेंगे चार समझ में आएगा एमीन इसमें कोई आवेश नहीं है एमिडो एमीन से एमिडो बना माइनस एक एमिडो से इमिडो बना इमिडो बोलने में और जोर आ रहा है फोर हटी माइनस सारी हटी फोर जो रहे हैं जीरो समझ गए सब हट ठीक है। अब देखो मैं बात कर रही थी उधर से ये तो एक दल ऊपर है सब सब एक के इलेक्ट्रॉन ने एक के लॉन्ग पेयर देंगे और कुछ नहीं ठीक है। अब हम इधर चलते हैं दोबारा अपनी वो द्विदल ये द्विदल से ये के एक द्विदल से बना से बना चुकी बन गया और समस्या
अब बेटा इसका एक एग्जांपल जो मैंने तुम्हें ग्लाइसिन वाला दिया था ना, ग्लाइसिन ये जिसको आपने ग्लाइसिनेट को कहा, ग्लाइसिनेट ग्लाइसिनेट का यदि तुम इसको क्या बनाना चाहते हो, ग्लाइसिनेट को त्रिदंडी बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे? इसके हाइड्रोजन हटाना और ये का ये समूह दोबारा लगाना पापा फोन आ रहे जिसको तुमने क्या बोला था, ये देखो पहले एनएच में तो तुमने एमीन बोला था, फिर उसके बाद एमिनो बोला था, इमिनो बोला था, इमिनो तो है एनएच माइनस, तो इमिनो कितने एसिटेट हो गए, एसिटेट एसिटेट होता है सीएसपी सी डबल वन, तो इमिनो डाई एसिटेट हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा इमिनो डाई एसिटेट, इसे तो ये बन गया त्रिदंड, एक दो तीन बन गया, तुम इसको चक्र बनाना चाहते हो देखे डालो और ये CH2CO- लगा दो तो ये बन जाएगा चक्र, इसमें तीन ऑक्सीजन हो जाएगी दाता और एक हो जाएगी नाइट्रोजन, ये ध्यान दो द्वि से ही दोनों उदाहरण बनेंगे द्वि के और चक्र, समझ गए? कोई नहीं नहीं अब आ जाओ पंचतंतु, पंचतंतु पर मैंने नहीं पढ़ाया था, पंच और सत्र है अपने कोर्स में, अगर तुम्हें त्रि चक्र याद नहीं होते कोई बात नहीं है, याद ही नहीं करना, कारण कि एनसीईआरटी के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के प्रकार में त्रिदंतु लिगेंड है, त्रिदंतु लिगेंड के उदाहरण है और सीधा है बहुदंतु के नाम से तीन प्रकार, एक द्विदंतु और बहु, उस बहु के कोर्स में त्रिचक्र पंच नहीं है केवल सट है, समझ गए? लेकिन आरबीएससी में सारे आरबीएससी में त्रिभुज है चतुर्भुज है पंचभुज है षट सब, तो अगर नॉलेज के लिए याद करने तो क्या जोड़ आता है, द्वि से ही तो बनते हैं त्रिभुज चतुर्भुज पंच षट सब इसी से बनेंगे, अब मैं देखो तुम्हें पंच और षट बनाना सिखाता हूं, चार तक का काम हो गया, अब अपन बनाते हैं पंचतंतु, तो क्या होते हैं पंचतंतु, नाम से ही पता चल जाएगा कितने उपसर्ग हैं, हम बनाएंगे पांच, इनके पास पांच दाता लिखेंगे, तो अब देखो कैसे इसका एक उदाहरण है, पंच और सत का एक ही एग्जांपल है और दोनों एक जैसे ही है, तो वो एग्जांपल है ये कैपिटल ई कैपिटल डी कैपिटल डी और ई डी डी, ये क्या होता है ई डी डी, देखो पूरा नाम बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है, इस EDTA पे आवेश दिया आएगा परीक्षा में पूछा, इस T का अर्थ, E का मतलब तो O का वही है एथिलीन, एथिलीन के शब्द से ले लिया, समझ गए? पूरा नाम E का मतलब क्या है एथिलीन, D का मतलब क्या है डाइएथिलीन, जिसे तुम EN लिख रहे थे यहाँ D का मतलब है डाइएथिलीन, ये हो गया E, ये हो गया समझ गए? अब इस टी का मतलब सुनो, यदि एग्जाम में चार तुम्हें लिखना दिया हुआ है इसके माइनस टू, जब तो टी की फुल फॉर्म होगी ट्राई चार्ज होगी, समझ गए? और यदि चार्ज लिखना दिया हुआ है इसके माइनस के चार, जब टी शब्द का मतलब हो जाएगा टेन, ये है टी इसका नाम इस चार्ज को देख के पूरा बना, यदि मैंने माइनस तीन सबसे पहले मैं पंच तंतु पढ़ रही हूँ तो माइनस तीन लगेगा टू लगेगा बोल जाएगा, तो टी का मतलब तुम क्या बोलोगे ट्राई, और लास्ट में ये ए है इसका नाम है एसीटेट, अब देखो मैंने बताया था इनावेश के लास्ट में एट आएगा तो एट आ गया तो एसीटेट आ गया तुम्हारे पास में, अब इस एसीटेट का क्या हटा दो ई हटा दो, इसको कहते हैं एसीटेट, ये होता है एसिटिक अम्ल, इसी को कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की क्या हटा दो हाइड्रोजन हटा दो, इसमें माइनस का क्या आ जाएगा ए, इसको कहते हैं एसीटेट, अब एसीटेट मेरा एसीटेट,
ई लगा दो ओ लगा दो ऐसी टेटो बन जाएगा इस इसी ऐसी टेटो को ए का मतलब ऐसी तो ये लगा दिया मैंने ऐसी टेटो संरचना बनाना सीखो बेटा क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना वो अपने दैनिक जीवन में भी बहुत काम में आता है ईडीडीए कहाँ कहाँ में आता है जरूरी होता है उसको दूर करने जानते हैं झाड़ वाटर को दूर कटोता उसी करकट हो जाए जिसमें सामने में झाग नहीं आते तो वो जल उसकी कठोरता को दूर करने के लिए ईडीडीए को काम में अब इसकी संरचना बनाना सीखे बनाना सबसे पहले वही काम अपना ई बनाओ ई मतलब एथीन बनाओ बनाओ एथीन किसको कहते हैं एथीन सी एच डबल बॉन्ड यही होती है एथीन दो कार्बन का एथ और ई अभिषेक कह रहा है डन अभी कहाँ डन अभी तो शुरू कर रहे हैं ये एथीन अब बना डाई का मतलब दो एमीन लगा दो मतलब कह रहे मैम यदि तीन की जगह चार लिख दे तो अभी बताते हैं बेटा तीन की जगह चार लिख दे तो वो षटतंतु बन जाएगा पंचांग खुशी मैं दोनों सिखा रही हूँ पहले तो तीन वाला सो तुझे पता चल जाएगा तीन लगाऊंगी तो पंच कैसे होगा देख एथीन बनाई इस शब्द का मतलब एथीन बनाओ अब ये एथीन होती है पाई को तो हटा करके दो क्या बना दे एमीन लगा दे इधर भी है मैं बाद में कर लूंगा ये पाई बन जाएगा समझ गई यहाँ तक किसी को दिक्कत है ये बनाने में नहीं तो हम बेर बना दिए अब ये तीन लगे हुए ये तीन कह रहे हैं थ्री हाइड्रोजन को हटाओ समझ गए तीन का मतलब क्या ट्राई ट्राई का मतलब तीन को हटा दो समझ लो इधर से हटा दी मैंने हाइड्रोजन तो एक हटा दी समझ में अपनी बात तीन हटा दो और तीनों को हटा करके ये कह रहा है इसकी जगह ये कैच लगा तीनों की जगह तीन क्या लगाओ ऐसी तीन लगाओ बताया था ना मैंने इसको कहते हैं ऐसी तीन सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस को कहते हैं ठीक है अब वही बात कर रहे कार्बन की संगतता पूरी है यहाँ कितनी है कार्बन की संगतता चार देखो पूरी है कि नहीं संगतता बना के देखो ये होता है सी एस थ्री सी एच थ्री यही है और ये रहा अपना सी डबल ओ